हेलो फ्रेंड्स, आज हम इम्पोर्ट रेंज फंक्शन के बारे में सीखेंगे कि हाउ टू वर्क इम्पोर्ट रेंज फंक्शंस। तो बेसिकली इस फंक्शन की हेल्प से हम एक शीट से दूसरे शीट में डेटा को लिंक कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने एक डेटा ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ है, सेल्स डेटा। इसमें डेट, रीजन, रिप्रेजेंटेटिव आइटम, यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट और टोटल। सपोज़ मुझे यूनिट कॉस्ट का सम चाहिए दूसरी शीट में, और कोई इंडिविजुअल वैल्यू भी अगर दूसरी शीट में लिंक करना है, तो इस फंक्शन की हेल्प से हम इसको कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ रोज 44 है, जो कि डेटा काफ़ी है। इस डेटा से हम इस फंक्शन की हेल्प से एक शीट से दूसरी शीट में कैसे डेटा लिंक करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले इक्वल जस्ट टाइप इम्पोर्ट रेंज ब्रैकेट, यहाँ पे पूछ रहा है स्प्रेड सीट URL। तो जिस सीट का डेटा लिंक करना है, उस सीट का URL हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर देंगे, जहाँ पेस्ट करने के बाद फिर ये आपसे पूछेगा रेंज स्ट्रिंग। रेंज स्ट्रिंग बेसिकली होता है जिस सीट से आप डेटा ले रहे हो उस सीट का नेम। तो यहाँ पे हमने सीट का नाम दिया हुआ है सेल्स डेटा, तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे और इस सीट में इसको पेस्ट कर देंगे। फिर हम देखेंगे कि कौन से सेल से मुझे डेटा दूसरी शीट में लिंक करना है। सपोज मुझे ई कॉलम और रो टू जस्ट 95 को दूसरी शीट में लिंक करना है, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे ई टू सेल, क्लोज द ब्रैकेट, द लोडिंग। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सेल्स डेटा E2 सेल 95 रिफ्लेक्ट हो रहा है दूसरी सीट में। सपोज अब मुझे ई कॉलम का सारा डेटा दूसरी सीट में लिंक करना है, तो हम फंक्शन में चेंजेस करके ये सारा डेटा रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे E2 ई लोड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ई कॉलम का सारा डेटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। सपोज अब मुझे समेशन चाहिए कि पर्टिकुलर आइटम्स का सम, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। टोटल यूनिट्स इक्वल सम ब्रैकेट इम्पोर्ट रेंज। इससे पहले जो हमने इम्पोर्ट रेंज फंक्शन लगाया उससे फॉर्मूला कॉपी कर लेंगे इस फॉर्मूला को हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अब मुझे ई कॉलम का
समेशन चाहिए, तो जस्ट टाइप ई टू सेम कॉलम ई क्लोज द ब्रैकेट एंटर। तो आप देख पा रहे हैं कि ई कॉलम का टोटल वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सभी का टोटल 2121 यहाँ पे हो रहा है, और दूसरी सीट में भी 2121 टोटल रिफ्लेक्ट हो रहा है। गाइस अब हम देखेंगे कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डेटा अगर रिफ्लेक्ट करना है तो कैसे करेंगे। सपोज अभी हम यहाँ पे फॉर्मूला को कॉपी करेंगे, यहाँ पे सम प्रोडक्ट अगेन कॉपी इट, देन पेस्ट हियर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम फंक्शन यूज कर रहे हैं सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट अभी ई कॉलम से हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स उठाएंगे, फिर हम इस लिंक को फिर कॉपी करेंगे और उस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे जिस कॉलम में हमारे आइटम्स हैं, लाइक पेंसिल, फैन, सेल्स डेटा। में देख सकते हैं कि प्रोडक्ट्स और आइटम्स एक पेंसिल डी कॉलम में रिफ्लेक्ट हो रहा है, डी कॉलम में। तो हम जस्ट इसको रिमूव करके डी टू डी टाइप करेंगे, देन क्लोज द ब्रैकेट इक्वल सेलेक्ट द सेल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पेंशन आइटम, पेंशन आइटम पेंसिल का नंबर ऑफ टाइम्स पेंसिल्स यहाँ पे बेची गई हैं और उसका समीशन यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। लाइक पेंसिल के साथ साथ हम बाइंडर और पेन टाइप करेंगे और ड्रॉप डाउन करेंगे सेल को, तो ये ऑटोमेटिक डेटा यहाँ से उठा लेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। थैंक यू गाइस, बस इस ट्यूटोरियल में इतना ही।